My dear students, today we are going to learn about the egg and the process of vitellogenesis. This is a Aklesh Kukreti, and here you are seeing the diagram of the egg, which you have to just remember. And you can see here there is the calcareous cell, white color ka calcareous cell hai. Bahut sare students they were saying, sir, Hindi mein bhi boliye. Then there is the outer shell membrane, then inner shell membrane. Then in the middle you can see that there is the albumen. The two shell membranes have a air space in between them. यहाँ पर जो पहली हवा जो chick है वो यहीं से लेगा. Then the albumen में you can see two kinds of strings are there. These are called as the chalaza. ये जो chalaza हैं these are the albumen strings. Then in the middle you will see a white colored pot shape or a fountain shape like structure, that is the neck of the latibra, and above that there is the active cytoplasm. This will form the blastocyst disc from where the embryo will form. ये जो छोटा सा हिस्सा है यहीं से एम्ब्रियो बनेगा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, किसको पेंडर ने सबसे पहले देखा था. एंड वॉन बेयर एंड पेंडर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर पढ़ा, और एरिस्टोटल ने तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था. Then there is the this white line membrane is also shown, but here in case of the eggs it is called as the zona radiata, and especially in case of the mammals. And then below that is the plasma membrane which is not seen. So students, I will close this book now, and it is not my way of teaching. My way of teaching is that whatever there is in my mind, that is what I remember. तो किताब को मैं खोल करके या कुछ देख करके नहीं मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में भी देखा आप लोगों ने. मेरा ये है कि जो स्टूडेंट के दिमाग में है वही उनको याद रहेगा एग्ज़ाम में इन द लॉन्ग टर्म व्हेन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं. तो इट शुड बी प्रेजेंट देयर इन टाइप ऑफ द की वर्ड्स और इमेजिनेशन से उनके दिमाग में रहने चाहिए. वंस यू लिसन दिस एंड इमेजिनेशन इज प्रेजेंट इन योर माइंड एंड इट विल बी देयर इन योर डीप मेमोरी. सो पहले एंड फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग इट विथ सम क्वेश्चंस. आपने देखा होगा कि अंडा तो बहुत से लोग जानते ही हैं, देखा भी होगा. इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज योग. ये योग कहाँ बनता है, पहला क्वेश्चन है कि योग कहाँ बनता है. दूसरा, ये जो वाइट वाला है और योग है, इसमें से कौन सा हार्ट के पेशेंट्स को दिया जा सकता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे. आपको आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो यू कीप ऑन वॉचिंग दिस. और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मुर्गी को हम रॉकेट के अंदर रखें, मुर्गी के अंडे को इनक्यूबेटर में, और वहाँ रखें और उसके बाद में, या मुर्गी को ही वहाँ ले जाएँ स्पेस में, इन अ स्पेस फ्री वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी, तो वहाँ पर क्या ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों. देन थर्ड क्वेश्चन इज दैट समटाइम्स यू सी द रेड स्पॉट्स देयर, कई बार रेड स्पॉट नज़र आते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग में भी, वो लाल लाल जो रक्त के जैसा दिखता है वो क्या है. तब अगर कोई अंडा का योग थोड़ा कम पेल येलो है और कोई अगर डार्क येलो है तो क्या उनके न्यूट्रिशन में अंतर होता है. और एग एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशियस मीडियम क्यों है. तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ. और जब इनके आंसर्स आपके दिमाग में रहेंगे तो देन यू विल नो लॉट अबाउट द एग. सो दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द योग इज कॉल्ड एज द विटेलोजेनेसिस, एंड दिस योग इज फॉर्म्ड एक्चुअली इन द लीवर. तो जितनी बढ़िया आप मुर्गी को दाना पानी खिलाएंगे तो उतना ही अच्छा योग बनेगा. और ऐसा कहा जाता है कि अगर उसको मिर्चें खिलाई जाएं तो ये जो योग बनता है इसका कलर भी लाल हो जाता है. एंड दिस कलर इज़ बिकॉज ऑफ द कैरोटीनाइड्स इन द जेंथोफिल्स लाइक पिगमेंट्स इन इट, बट द योग इज कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोल वाइटिलिन एंड लाइपोवाइटिलिन, एंड दिस वाइटिलिन पार्ट इज़ द प्रोटीन पार्ट. ये वाइटिलिन प्रोटीन है एक, एंड ये वाइटिलिन जीन के नाम से वेट जीन करके नाम दिया गया है. तो ये वाइटिलिन प्रोटीन इसके अंदर होता है. और जो योग है इसमें भी देर आर कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वाइट योग एंड येलो योग.
और मिडिल पार्ट जो है इट इज़ लिटिल बिट वाटरी, जो वाइट योक है वो थोड़ा वाटरी है, लेस लेस दिस लिपिड कंटेंट इज लेस इन इट, एंड अबव दैट इज़ द ब्लास्टोडिस, जिससे विच वाज कॉल्ड एज द न्यू विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ पैंडर, और इसी में से जो है एम्ब्रियो ने आगे बनना है, और उसके जो मिडिल पार्ट है वो फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैटिब्रा, और फिर ये जो एल्ब्यूमेन है दिस योक इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग इन द ओवेरी, ओवेरी में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक ये पहुँचता है, एंड देन दिस ओसाइट व्हेन इट एंटर्स इट इज़ कॉट बाय द फनल शेप्ड ओविडक्ट, उसकी ओविडक्ट के अंदर जब ये पहुँचता है तो देन द एल्ब्यूमेन इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओविडक्ट, फिर ये धीरे धीरे जो एल्ब्यूमेन से इट स्टार्ट रोटेटिंग, सो दैट एल्ब्यूमेन जब ये रोटेशन हो रहा है तो दिस एल्ब्यूमेन वेयर द थिक बैंड्स ऑफ द एल्ब्यूमेन्स आर देयर दे फॉर्म द कैलाजा, तो ये एंटी क्लॉक एक तरफ से क्लॉक वाइज में मुड़ी रहती हैं, एक तरफ से एंटी क्लॉक वाइज में मुड़ी होती हैं, एंड देयर दे समहाउ हेल्प टू फिक्स द योक पार्ट, योक जो है वो ज़्यादा हिले ना तो ये उसको शेल मेम्ब्रेन से उसको एक प्रकार का सपोर्ट देती हैं, देन द सेल मेम्ब्रेन्स आर लेड, एंड बिफोर दैट द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द स्थमस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, अगर वहाँ पे फर्टिस्पर्म पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर इन द केस ऑफ द बर्ड्स देयर इज़ अ क्लोएका, देयर इज़ नो दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो लाइक द ह्यूमन बींग्स इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ अ कप शेप्ड क्लोएका, एंड विच फ्रॉम वेयर द बोथ द यूरिनरी पार्ट एंड दिस दिस रेक्टम पार्ट इज देयर, तो वहाँ एक जेनेटल पैपिला होता है, तो वहाँ से ही जो है स्पर्म दे आर डिपॉजिटेड, बोथ द कप मीट्स एंड द स्पर्म स्पर्म सेंटर, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर स्पर्म नहीं है तो भी अंडे उन्हें बनना ही बनना है, और वो अंडा दैट इज रिलीज्ड वो वहाँ से रिलीज होगा, एंड देन देर इज अ शेल ग्लैंड फ्रॉम वेयर द शेल विल बी लेड, और उसको कैल्क्रियस शेल ले, तो ये जो कैल्क्रियस शेल है ये पोरस है, और इसके अंदर लगभग 10,000 के करीब पोर्स इसमें मौजूद है जहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कर सकते, तो कभी भी आप फर्टिलाइज एग को ला रहे हैं इंक्यूबेटर में रखने के लिए तो आप उसको पॉलीथीन में मत लाइए, और उसको भी शॉक भी उसको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज जब तक वो लेट डाउन होता है तब तक उसमें डेवलपमेंट हो चुका होता है, एंड अबाउट सुपरफिशियल डिस्क इज़ फॉर्म्ड, और उसमें लगभग 20,000 सेल्स उसमें होते हैं, एंड इट टेक्स अबाउट 22 आवर्स, 22 घंटे इसमें लग जाते हैं, एंड 80% ऑफ द एग्स जो है उनका पॉइंटेड पार्ट जो है वो पहले निकलता है, एंड तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई, और वो जो रेड रेड सा दिखता है उसमें समटाइम्स द ब्लड वेसल्स इन द ओवेरी इट रप्चर्स, और वहाँ से जो ब्लड निकलता है वही ब्लड उसके अंदर है, तो रॉ अंडे खाना आई विल नॉट से दैट इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द दिस ब्लड पार्ट, इसमें ब्लड पार्ट हो सकता है, एंड ऑफ अंदर डी एन एन आर एन ए इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड देयर, सो सर्टिन पार्टिकल्स ऑफ द डी एन ए आर एन ए में भी देयर, तो इसलिए बॉइल्ड एग खाना ही सेहत के लिए अच्छा है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाइटल अमीनो एसिड जितनी भी हमारी आइसोल्यूसिन वेलिन सेरीन ट्रिप्टोफान टायरोसिन एस्पार्टी ग्लूटामिक फिनाइल फिनाइलएलनिन ये सारी अमीनो एसिड इसके अंदर होती हैं, और ये इसलिए चीप हमारे लिए फूड है, और ये बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट है, एंड वन वन एग डेली हैज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, और जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको येलो वाला पार्ट देना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वाइट वाले से कम होता है, एंड इट कंसिस्ट लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द फॉस्फोरस इज देयर, देन ऑल द दिस पोटेशियम कैल्शियम इज देयर, तो ये काफ़ी हेल्दी डाइट है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि विल दिस प्रोसेस ऑफ द विटेलोजेनेसिस एंड द एम्ब्रियो विल डेवलप फर्दर इफ इट द हैन इज टेकन टू द स्पेस, स्पेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नो दिस डेवलपमेंट विल प्रोसेस बट द हेड विल नॉट फॉर्म, जो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो नहीं बन पाएगा, एंड बिकॉज दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज देयर, एंड दिस रोटेशन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, यहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक जब हम आगे पढ़ेंगे क्लीवेज होगी तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेंगे, एंड दिस रोटेशन इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स,
तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन इज इन एन ओब्लिक डायरेक्शन, तो ये काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन वहाँ पे सेल्स ला रहे हैं, और वो जो सेल्स हैं उनके डिफरेंस होने से जो है फ्रॉम दैट पार्ट द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस एंड इंटीरियर पोस्टर एक्सिस आर डिटरमिंड। फ्रॉग में तो आप स्पर्म की एंट्री है वो कॉर्टिकल रोटेशन कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉर्टिकल रोटेशन की नहीं होता, संभावना नहीं होती, तो यहाँ पर ये जो रोटेशन है दिस इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। तो देख लीजिए आप ग्रेविटी का कितना बड़ा रोल है अंडे में। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस योग, द स्ट्रक्चर ऑफ द योग, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फो वाइटिलिन एंड द लाइपो वाइटिलिन इज देयर, देन दिस एग कंसिस्ट ऑफ द एयर स्पेस बिटवीन द टू शेल मेम्ब्रेन्स, देन देयर इज दिस वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो कि मैंने डायग्राम में बताया था, और इट इज़ अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ द डीएनएज एंड द आरएनए एंड द न्यूमरस टीआरएनएज देयर, दीज आर ऑल प्रीवियसली लेड देयर। तो अंडे के बारे में मैंने ही आपको कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दी है। आई होप दिस स्मॉल वीडियो विल हेल्प यू एंड दीज अमेजिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव पुट फॉरवर्ड हियर। थैंक यू।